इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर रायपुर में आज दंतेवाड़ा और बस्तर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। बस्तर में 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहेंगे सीएम भूपेश। 26 जनवरी को पुलिस ग्राउंड में परेड की देंगे सलामी। इसी के साथ जिले में सुरक्षा के तमाम व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये रायपुर से बड़ी खबर, जहाँ पर दंतेवाड़ा और बस्तर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, तमाम तैयारियां की गई है। इसी के साथ 2 दिवसीय बस्तर के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें कि 26 जनवरी को पुलिस ग्राउंड में परेड की यहां पर सलामी देते हुए भी नजर आएंगे। इसी के साथ तमाम तैयारियां भी की गई है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां की गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि कल कई तरह के ऐसे कार्यक्रम होंगे जिसमें सीएम भूपेश बघेल खुद शिरकत करने वाले हैं। आज दंतेवाड़ा और बस्तर के दौरे पर हैं और 2 दिवसीय बस्तर के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। इसके साथ ही तमाम तैयारियां की गई है 26 जनवरी के मद्देनजर, और पुलिस ग्राउंड में परेड का आयोजन है जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो हमारे इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय दंतेवाड़ा के दौरे पर और बस्तर के दौरे पर, क्या कुछ तमाम तैयारियां, किस तरह के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर जा रहे हैं, तो ठीक वह मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर वह आज यहाँ दंतेवाड़ा और जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे, एक तरह से बस्तर, क्योंकि बस्तर से ही जीत और हार तय होती है किसी भी राजनीतिक पार्टी की, तो ऐसे में अभी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस क्षेत्र को साधना शुरू कर दिया है। आज वह यहाँ पर दंतेवाड़ा में जो छिन्नर इंद्रावती नदी पर 38 करोड़ की से अधिक लागत से बनाया गया पुल का लोकार्पण करेंगे, और वहां से लगभग वह 1 बजे के लगभग वहां से निकलकर जगदलपुर पहुंच जाएंगे। जगदलपुर में लगभग 1 बजे वह पहुंचेंगे, तो वहां पर भी जो एक कार्यक्रम है जिसमें उनके जो कार्यक्रम है उसमें एक कार्यक्रम है, भूमि पूजन कार्यक्रम है, लोकार्पण कार्यक्रम है। साथ ही वहां पर जो बस्तर का जो कॉमर्स एसोसिएशन है उसके पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और देर शाम उनके 5 बजे जब कार्यक्रम है तो उसमें उन कार्यक्रमों में भी शिरकत करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो एक तरह से दंतेवाड़ा और जो जगदलपुर का उनका दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ पर जो बालीकोटा में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित सीवेज प्लांट का भी उद्घाटन वह करेंगे इस तरीके से, और 2:10 बजे वह धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में जाएंगे जहाँ पर विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री 5:15 बजे जो जगदलपुर का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके पदाधिकारी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद 6:15 बजे दलपत सागर जाएंगे, वहाँ नवीनीकृत समुद्र चौक का लोकार्पण करेंगे। तो एक तरह से भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री जो सिटी ग्राउंड 36 क्वार्टर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है आवासीय योजना का भी लोकार्पण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और रात्रि विश्राम वह जगदलपुर में करेंगे। जगदलपुर में रात्रि विश्राम करने के बाद कल 73वें गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर में वह राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। तो अमित, कुल मिलाकर आज कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे, इसी के साथ 26 जनवरी के मद्देनजर भी तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। इसके साथ अमित, ये भी जानकारी चाहेंगे जिस तरीके से अब गणतंत्र दिवस कल है और ऐसे में क्या कुछ तैयारी है, सुरक्षा के भी क्या कुछ तमाम इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से घोर नक्सल इलाके में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा बनाया गया है, क्योंकि छिंदनार जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वह घोर नक्सल इलाका है, तो ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सीमा सुरक्षा बल के कल कमांडेंट ने बकायदा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, और उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ की सीमा है उसको लेकर उन्होंने सारी चीजें बताई थी। तो इसके बाद यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था छत्तीसगढ़ गणतंत्र दिवस को लेकर की गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जहाँ राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगी, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। वही तो मंत्री और सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनको भी उनके प्रभाव वाले जिले में ध्वजारोहण करने के निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं, और वह गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। बिल्कुल अमित, यहाँ पर गणतंत्र दिवस के मद्देनजर तमाम तैयारियां की गई है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए। अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।